जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, क्रांति एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है, और किस तरह से कुछ बर्फ की खेली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस में लगातार जद्दोजहद का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू की चर्चा भी बखूबी देखी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू वही हैं जो जेल में बंद थे। एक सजा के तहत 1 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन 1 साल से पहले उन्हें रिहा कर दिया जाता है। देखा जाता है कि कांग्रेस से खफा थे नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाने से पहले। उनके रुख कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहे थे, तो कहीं अपनी पार्टी बनाने के तौर पर नजर आ रहे थे। यानी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से सियासी उठापटक नवजोत सिंह सिद्धू की जेल जाने से पहले देखी जा रही थी। लेकिन अब रिहाई हो जाती है, और रिहाई के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के गुणगान गाने लगते हैं, जिसके तहत ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वही नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या वो अब फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं? क्या वो राहुल गांधी के लिए जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या ये इशारा करता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में वापसी कर कोई बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी अब्रार जी। अब्रार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का आपने सियासी उठापटक देख लिया होगा, जैसे जेल में बंद थे उससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं क्योंकि वो जीत नहीं पाए थे पंजाब में। अब ठीक उसी तरह से कांग्रेस की तरफ उनका रुख नरम दिखाई देता है, तो क्या ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस समय आप जिस तरीके से भगदड़ मची हुई, लगातार कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, और इस कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम शामिल था। अभी तक की अगर बात की जाए तो पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से तमाम मामले देखने को मिले, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय से ही लगातार कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर कई गंभीर सवाल उठा रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तय माना जा रहा था कि वो पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि पार्टी से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई बड़ा चेहरा जो है पंजाब में मौजूद है, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है, प्रदेश में अपनी सत्ता को स्थापित की है, तो कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से फिर से काम करने की ज़रूरत है, और तभी जा कर के प्रदेश में फिर से एक बार उनकी सरकार जो है वो स्थापित होती नज़र आएगी। अभी नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हुए, और जाहिर सी बात है कि रिहाई के बाद उनकी बातों को लोग और ज़्यादा गौर से सुनेंगे, और जो प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था की बात की जाए, और या फिर यहाँ पर ये देखा जाए कि जो है भगवंत मान ने जब से जो है सीएम पद की कमान संभाली है, उसके बाद से प्रदेश के कामकाज को किस तरीके से वो जो है बढ़ा चढ़ा करके किए, या फिर प्रदेश का जो विकास कार्य है वो अभी तक ठप पड़ा हुआ, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जहन दौड़ाने की कोशिश करनी होगी जो है नवजोत सिंह सिद्धू को भी, और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन उसका असर कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के बीच कितना पड़ता है, और जनता कितना ज़्यादा इन तमाम चीज़ों का जो है जो अपने वोट के माध्यम से इस्तेमाल करती कांग्रेस पार्टी के हित में, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। फिलहाल इस समय स्थिति ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो जो आप कह सकते हैं लोकप्रियता है उनकी जनता के बीच में, उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर प्रदेश में फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सकती है।
जी बिल्कुल, सत्ता में वापसी कर सकती है। अब आपको बता दें कि जैसा कि देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू बीते दिन राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहती हैं और वो बताते हैं कि राहुल गांधी उनके मेंटोर हैं और किस तरीके से उनके मार्गदर्शन पर वो चलते हुए नजर आए हैं। ठीक उसी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी वो मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात जाहिर करती है कि कांग्रेस अब लगातार यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेल से रिहा होना ये साबित करता है कि एक हल्ला बोलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ये भी बोलते हैं मुलाकात करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, मुझे फिर से जेल भिजवा सकती है, मुझे धमका सकती है, क्योंकि वो अब कांग्रेस की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं तो ऐसे में कांग्रेस क्या उनकी तरफ नरमी दिखाते हुए कोई बड़ा पद देती हुई नजर आएगी, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए कितने बड़े कारगर सिद्ध होंगे? देखिए बिल्कुल, जो है कांग्रेस पार्टी उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि उनको राजनीतिक अनुभव की बात करें या फिर और फील्ड के अनुभव की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा है और प्रदेश की राजनीति को वो बेहतर ढंग से समझते हैं, और इसी बिना पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो सौंप सकती है। हालांकि पंजाब में चुनावी माहौल ज़रूर है, लेकिन कई चुनौतियाँ भी हैं, चाहे इस समय जो है अमृतपाल सिंह की बात करें, तो इन चुनौतियों को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी को सोचने और समझने की ज़रूरत है, चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश में जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं चुनौती पंजाब में ये है कि कानून व्यवस्था और ख़ास तौर से जो खालिस्तानी समर्थकों की बात आती है बार बार, उन तमाम चीज़ों पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इन तमाम बातों पर हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी सौंपने के बाद जो बेहतर ढंग से कार्रवाई करने में मदद जो है मिल सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कहा कि अभी पंजाब में जो माहौल चल रहा है वहाँ पर अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर भी है। अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर शिकंजा कसा जाता है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था पर शिकंजा कसा जाता है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होती है, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू भी खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं और भगवत मान पर वो कटाक्ष करते हैं। आप सीधे तौर पर देखेंगे पहले नवजोत सिंह सिद्धू पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी उनके खिलाफ कड़ा रुख आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भगवत मान को यहां पर मेरा सवाल है कि क्या वो भगवत मान को अगर यहां पर चुनाव के दौरान पर टक्कर देते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? देखिए बिल्कुल, जो है आम आदमी पार्टी इस समय जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली के कामकाज को दिखाकर प्रदेश में अपनी सत्ता को उन्होंने बनाया, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ही चेहरा थे और पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ही वोट दिया था। जहाँ तक बात भगवंत मान की है तो जो है नवजोत सिंह सिद्धू जाहिर सी बात है कि उनके या उनसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि कई राजनीतिक दलों में रहने का उनको जो अनुभव है, बीजेपी में भी रह चुके हैं कई वर्षों तक, तो इस लिहाज से भी जो राजनीतिक सूझबूझ है उनकी बेहतर है। और नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी भगवंत मान के खिलाफ कर सकती है, उसमें उन्हें सफलता भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाती है ये तो उनके फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।